Dean, today in this video we are going to learn lesson number 15, our party. What are these children doing? See the picture, look at the picture. What are these children are doing? Here one policeman salute. So what he is using? Hand. Okay, the girl is wearing hat. So what is she using? She is using hand. The boy is kicking the ball. What is he is using? Leg. Okay. Here the bus conductor pulling the rope. What he is using hand. Nurse is giving injection to a baby. What she is using? She is using hand. Here traffic police, what he is using to control the traffic? Hand. So which part of their body are they using? So most of are using hand and one boy is using leg. Theek hai? Can you tell, point out the parts of body and name below? Forehead, cheek, nose, ear, tummy, chest, arm, wrist, plum, thigh, knee, foot. अब ये boy है, ये boy को कहाँ पे forehead है, cheek कहाँ है, nose कहाँ है, ear कहाँ है, tummy कहाँ है, chest कहाँ है, arm कहाँ है, wrist कहाँ है, palm कहाँ है, thigh कहाँ है, knee कहाँ है, foot कहाँ है. तो आपने वो mark करना है. देखो यहाँ पे मैंने mark किया हुआ है. फोरहेड एकदम ऊपर है, उसके बाद गाल को हम चीक बोलते हैं, चेस्ट, टमी, पेट को, पाम, जो उंगली आगे का जो पोर्शन होता है उसको पाम बोलते हैं. फिर लास्ट में फूट, ईयर, नोज, आर्म, रिस्ट, कल जहाँ पे रिस्ट वॉच बोलते हैं ना, घड़ी बांधते हैं, थाई एंड नी. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, द हेड, टॉर्सो, arm and legs are the main part of our body. सबसे बॉडी का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा हेड. अगर ये काम करना बंद हो जाए तो अदर पार्ट भी अब नॉर्मल जैसे बिहेव करती है. राइट. द हेड, आर्म एंड लेग आर जॉइन टू द टर्सो. जो हमारा हेड है, आर्म है और लेग्स किसे जॉइन होता है? टर्सो से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सबसे मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी को, हेड को. द हेड इज कवर विथ हेयर. बिलो द फोरहेड आर टू आई विथ आईब्रोज एंड आईलिड्स. लेसेस ऑन द अदर साइड आर द ईयर. अभी हमारा हेड में सबसे फोरहेड पे के बाजू में दो आई है, आईब्रोज है, आईलेसिस जो आप अलग होती है उसको आईलेसिस बोलते हैं. ऑन अदर साइड आर द ईयर. अदर साइड क्या होती है? हमारे कान होते हैं. इन फ्रंट ऑफ द नोज, हमारे फ्रंट में नोज रहता है. बिलो द नोज इज द माउथ एंड बिलो दैट इज चिक. सबसे नीचे चिन होता है, चिन. ओके. द पार्ट दैट जॉइन द हेड इज टू द टर्सो इज द नेक. अभी नेक जो है वो टर्सो से जॉइंट हुआ रहता है. एंड शूट. चलो टर्सो किसको बोलते हैं अभी हम सीखेंगे. आई गेस ये थोड़ा ब्लर है. हाँ ये बराबर है. द चेस्ट, ऑडोमन, एब्डोमन एंड बैक टुगेदर मेक द टर्सो. द पार्ट वेयर द आर्म इज जॉइंट टू टर्सो इज कॉल्ड शोल्डर. The leg is joined to torso at the hip joint. मतलब देखो neck, back, chest, abdomen की किससे join होता है? torso से. torso मतलब उनको एक together join जो करता है. जैसे हमारे chest को, abdomen को, back को जो join करके रखता है उसे हम torso बोलते हैं. Understood? Here arm. द आर्म हैज़ थ्री पार्ट, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड. द फिंगर आर पार्ट ऑफ द हैंड. द अपर आर्म इज
forearm and joined at the elbow. The forearm and hand are joined at the wrist. अभी हाथ के अलग अलग, जैसे ऊपर का आर्म आप अपर आर्म बोलते हैं, फिर एल्बो होता है, फिर फोरआर्म, फिर रिस्ट होता है, फिर लाम होता है, फिर हैंड होता है। अपने पिक्चर में देख लो, ठीक है। लेग, द लेग टू हैज थ्री पार्ट, थाई, शार्क एंड फूट। टोज आर पार्ट ऑफ फूट। द थाई एंड शार्क आर जॉइंट एट द नी। द शार्क एंड फूट्स आर जॉइंट एट एंकल। आप ये पिक्चर से भी देख सकते हो, थाई, नी, शांग, एंकल, टू आर पार्ट्स ऑफ लेग। नेम अ न्यू टर्म, ऑर्गन, अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज फॉर पर्टिकुलर पर्पस। वी यूज अवर लेग्स फॉर वॉकिंग, सो लेग्स आर ऑर्गन। वी यूज अवर ईयर फॉर हियरिंग, सो ईयर आर ऑल्सो अवर ऑर्गन। जो ऑर्गन समझ में आया, जो हम इसको ऑर्गन बोलते हैं, जिस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, हियरिंग के लिए कान को यूज़ करते हैं, देखने के लिए आई को यूज़ करते हैं, चलने के लिए लेग को यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन, जो बाहर दिखता है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, जो अंदर होता है उसको इंटरनल बोलते हैं। ऑर्गन्स दैट आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, लेग, आर्म, ईयर एंड नोज आर आवर ऑर्गन्स। They are also outside of the body, hence they are called external organ। जो हमें बाहर से दिखता है, ऐसे आई, ईयर, नोज, ये हमारे ऑर्गन है, इसको हम एक्सटर्नल, ऐसे नाम से पता चला, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, इंटरनल मतलब अंदर। अंडरस्टूड? कैन यू टेल व्हाट विल यू वॉक विदाउट बेंडिंग योर लेग एट द नी? How will you walk without bending your leg and knee? आप बिना बेंड के अपने लेग और नी को आप वॉक कर सकते हो? Yes। Can you comb your hair without bending your arm at the elbow? No। ठीक है, सो ये आपकी जनरल, इन जनरल पे है। How will you walk without bending your leg and the knee? आप चलते समय अपना देखो ना, लेग और नी बेंड होता है कि नहीं होता? थोड़ा बहुत मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ट्राई टू बेंड अ वुडन स्टिक, कैन यू डू सो? आप एक वुडन स्टिक को बेंड कर सकते हो? व्हाई नॉट? सपोज दैट आवर लेग्स एंड आर्म आल्सो कुड नॉट बेंड, वुड वी एबल टू मेक मूवमेंट? अगर हमारे हाथ और पैर अगर बैंड नहीं होते तो हम नहीं चल पाते। अंडरस्टूड? तो इनका बैंड होना जरूरी है। एल्बो दिया है गॉड ने, फिर लेग को बैंड करने के लिए वहाँ पे नी दिया है। सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स कैन बैंड एंड दैट इज़ व्हाई वी आर एबल टू मेक अ मूवमेंट। हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स बैंड होते हैं, इसके लिए हम मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का, कैन यू टेल का दोनों का आंसर यस यस होगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे देखो, विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन बैंड, अभी क्या क्या बैंड होता है। Try this. Stand in front of the mirror and move your neck and show the picture. जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, अपने गले को ऐसे आप गला देखो, केवल अप डाउन हियर साइड लेफ्ट एंड राइट ही ये कर सकता था, पूरा घूम चक्रम घूमता नहीं है। द नेक बेंड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, इट टर्न लेफ्ट एंड राइट, इट ऑल्सो बेंड लेफ्ट और राइट, और ज़्यादा नहीं, पूरा गोलू गोलू नहीं घूमता है। आर्म्स, वी कैन बेंड अवर आर्म्स एट द शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, द फिंगर ऑफ द ऑफ आवर हैंड्स कैन बेंड टू, दैट इज़ वाई वी कैन मेक अ फिस्ट एंड वी कैन डू मेनी थिंग्स विच आर विद आवर हैंड्स। वी कैन यूज अवर हैंड टू राइट, पिक अप द थिंग्स, मदर सेव्स अ लड्डू विद द हैंड्स, विद हर हैंड्स, बेबी होल्ड रैटल इन हर हैंड। देखो हमारी जो अंगूठा है वो चारों उंगली के पास जाती है, इससे हम और इसमें मूवमेंट होता है, शोल्डर और रिस्ट, इसकी वजह से हमारा हाथ मुट्ठी बनती है। मुट्ठी बनने से क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि
अब ये बॉय बकेट उठा रहा है, मम्मा क्या लड्डू बना रही है, ये छोटा बाबू रैटल लिया अपने हाथ में। तो हम लिख पढ़ सकते हैं बिकॉज कि हमारी जो ये अंगूठा है वो सपोर्ट करता है, हमें मुट्ठी बनती है, दैट इज़ वाई हम बहुत सारे काम हैंड से कर सकते हैं। यहाँ पे द रिस्ट, वी कैन बैंड आवर टर्सो ओनली एट रिस्ट, वी कैन बैंड फॉरवर्ड एट द रिस्ट एंड मेक इट ईजियर फॉर अस टू डू मैनी थिंग्स, वी कैन पिक अप द थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर, टाई अवर शूलेस एंड प्ले गेम्स टू। हम कोई भी चीज़ को पिकअप कर लेते हैं क्योंकि हमारा रिस्ट जो कलाइयाँ हैं वो मजबूत है। हम खेलते हैं, देखो अभी क्रिकेटर्स लोग की कलाइयाँ मजबूत होती हैं तभी वो सिक्सर मारते हैं। एंड जस्ट शू सो मैनी, अभी हमारा अब सपोज हमने शू पहना, शू लेस बांधना है तो हमें हमारे रिस्ट का ही यूज़ करना पड़ता है, कलाइयों का यूज़ करना पड़ता है। अंडरस्टूड, सो मैनी गेम्स को यूज़ करने के लिए हमें कलाइयों का यूज़ करना पड़ता है, रिस्ट का यूज़ करना पड़ता है। लेग, आवर लेग कैन बैंड एट हिप जॉइंट एंड द नी एंड द एंकल्स, आवर टू कैन बैंड बट नॉट एज मच एज आवर फिंगर्स, वी यूज आवर लेग टू फॉर सेवरल पर्पज, वी यूजेज आवर लेग फॉर स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग अप एंड डाउन स्टेयर, वी हिप एंड जम्प, वी वर्क सम मशीन्स टू यूजिंग आवर लेग। हम अपने लेग का यूज़ जंप करने के लिए, रन करने के लिए, स्टैंड के लिए यूज़ करते हैं और ये बैंड होता है इसीलिए हम सब कुछ कर पाते हैं। अंडरस्टूड, आवर लेग जो है वो नी, एंकल और हमारे टर्सो से जॉइंट हुआ और बैंड होता है, दैट इज़ वाई हम बहुत सारे मूवमेंट करते हैं। अंडरस्टूड, ट्राई दिस। अब यहाँ पे कुछ एक्शन है जो आपको करना है घर पे। वन डे यू डिसाइड नॉट टू ओपन योर माउथ एट ऑल टू स्पीक, सो यू हैव टू टॉक ओनली बाय द साइन एंड जेस्टर। आप एक दिन डिसाइड करो कि मुझे बात नहीं करनी है, केवल साइन और जेस्टर से मुझे काम करना है। यू कैन आस्क शैल आई लीव अ वेट, आंसर इज वेट। यू कैन आस्क हाउ द करी, योर आंसर इज डिलीशियस। यू आर टोल्ड द कैट इज कैट्स नॉट फीडिंग वेल, सॉरी द कैट इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो द आंसर इज वॉट हैपन टू इट। यू आर आस्क हाउ द वेदर, योर आंसर इज आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। वी यूज अवर माउथ टू स्पीक, बट वेन प्लेइंग अ गेम विच पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी डिड यू यूज टू मेक साइन। साइन लैंग्वेज के लिए हम देखो हैंड को यूज़ करते हैं, हम बोलते नहीं, डम पीपल जो होते हैं ना जो नहीं बोल पाते वो लोग अपने साइन लैंग्वेज के लिए हैंड का इस्तेमाल करते हैं, जेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है जो आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ, व्हाट्स अ सॉल्यूशन, यू वांट अ बॉक्स फ्रॉम वेरी हाई सेल्फ वेयर योर हैंड कैन नॉट रीच। जैसे आपने घर में कबर्ड है उसका सेल्फ बहुत ऊंचा है और आपका हाथ वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, तो क्या करोगे, टू कैरी आउट एनी टास्क यू कैन चूज वन फ्रॉम अ नंबर ऑफ मेथड डूइंग इट, इफ वी कैन नॉट यूज द यूजुअल मेथड वी कैन गेट समवन हेल्प और वी कैन यूज सम स्पेशल डिवाइस। समबडी मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू दैट डू समथिंग, वी शुड देन ऑफर ऑल पॉसिबल हेल्प। ना हम कुछ नहीं पाते तो हम टेबल लगाते हैं या तो हम किसी की हेल्प लेते हैं। जैसे यूज योर ब्रेन, वॉट वॉज द लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज ताई पिक अप हिम। अभी देखो ताई उसको दिखा रही है, वो छोटा है, वो देख नहीं पा रहा है, तो ताई उसको पिकअप कर रही है तो बाहर की वो सीनरी देख पा रहा है। अंडरस्टूड, छोटे बॉय, छोटा बेबी बॉय, ओके। यहाँ पे देखो, आई एम यूनिक, यूनिक मतलब आपके जैसा कोई नहीं है। देयर आर काउंटलेस पीपल इन द वर्ल्ड, पीपल बहुत सारे हैं, काउंटलेस हैं, बट ऑल ऑफ देम हैव सेम बॉडी पार्ट्स, सभी के बॉडी पार्ट्स एक जैसे हैं। चाहे इंडिया के लोग हो, अमेरिका के लोग हो, लंदन के लोग हो, सभी के बॉडी पार्ट एक जैसे हैं। इवन सो नो टू पीपल आर एग्जैक्टली अलाइक, दो इंसान
एकदम एग्जैक्टली अलाइक नहीं होते अगर वो ट्विंस नहीं हुए तो। ट्विंस में भी थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होते हैं, उनकी मम्मा को ही पता होता है। दैट इज़ बिकॉज ईच वन हैज़ अ डिफरेंट फिगर एंड फॉर्म। देयर आर डिफरेंसेस इन द हाइट, वेट, हेयर लाइन एंड फीचर्स ऑफ द फेस। इन द होल वर्ल्ड ओनली यू लुक अलाइक योर सेल्फ। डिड यू नो दिस? आप अपने पूरे वर्ल्ड में आप अकेले आप जैसे हो, आपके जैसा कोई और नहीं है, अगर आप ट्विंस ना हो तो। समटाइम ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर लुक एग्जैक्टली अलाइक, बट इवन बिटवीन देम देयर आर स्मॉल डिफरेंसेस। उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। एंड जस्ट शूट यहाँ पे व्हाट वी हैव लर्न। अब इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? हेड, टर्सो, लेग, आर्म्स आर मेन पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। चेस्ट, अब्डोमेन, बैक टुगेदर मेक अस मेक अप टर्सो। द हेड, लेग, आर्म्स आर जॉइंट टू टर्सो, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट जॉइन हेड एंड टर्सो इज द नेक। द आर्म्स आर जॉइंट टू टर्सो एट शोल्डर्स एंड लेग at hip joints. Our body parts can bend at certain places that make it possible for us to make different movement. Our body make various movement with the help of knee, leg and wrist. So that's all. I hope you all understand.